अभी मैं जा रहा हूँ जी गाँव। हल्की फल्की भूख लग रही है तो चलो नांट की देखते हैं क्या मिलती है कि नहीं। ये है कि जब स्कूल लाइफ में थे तो स्कूल लाइफ में जब कैंटीन से या समोसे पकौड़े मिलते थे, कोल्ड ड्रिंक्स मिलती होती थी, वो 5 रुपए वाली मिलती होती थी जिसको फिर वो हला के एक दूसरे पे फेंकते थे, तो उस वक्त नान टिक्की मिलती थी कैंटीन से और उसके खाने का अपना ही मज़ा होता था। अगर कैंटीन से नहीं मिलती होती थी तो जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो बाज़ार में नान टिक्की वाले से नान टिक्की लाजमी खाते होते थे। तो इसी तरह मैं भी बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो गांव का चक्कर भी लगा लेते हैं और साथ नान टिक्की भी खाते हैं। और माशाल्लाह बारिश की वजह से साफ़ सुथरी हो गई है फसलें। ये वाली अभी खड़ी हुई है फसल, ये हमने बीज तैयार किया हुआ है और जिसे कहते हैं शब्दाले का बीज जो चारा सर्दियों में इस्तेमाल होता है। इसको अब ये है कि थोड़ी सी धूप, एक दो दिन और धूप निकलेगी तो इसको काट के फिर हम थ्रेशर लगा के उसमें से इसको इसके कचरे को अलहदा कर लेंगे और बीज अलहदा कर लेंगे। तो फिर ये काफ़ी कॉस्टली है तो इस वजह से हमने इसको रोका हुआ। निशाने लाते पे हो नहीं लगा ओ वागी चिड़ी है ऐनु ला निशाना सानी नु मार खा मार मार सेर ते मारी मार पिटा लग गई नहीं पिटदा बड़े मजे थी हम किन्नी को उतर जांदी कट ओए ओ सुता पे हैं पूरा कुछ है दे की कड्डे हैं मक्खी मक्खिया की सी हां मक्खिया क्या किनी है किना ठीक करा लो सराय मशीना मरम्मत करा वो है ना करदा है टीम चार्ज कर दी हुए सुइया देखो ना मैं किन्नी तू सवाई ना नाट की बना रहा है। अच्छा 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 हां की खाना है भाई नान कर ले पानी टिक्की कर दे ओके सो पे नर्से चल दे हां हां प्रॉफिट है तो चलता पे ते स्कूल ना लगे नहीं फिर दे किते घूमदे आ वेखे चली हुंदी ना इंज कती जांदी ना बा बंद हो जावे जिंदा बिल ना आवे तो केबल भी लो पैसे टाइम ना देवन केबल ना पिंदी हम्म पट के लागने मेन तार खड़ी वाली जानी ना आ गया डिग्गी देखो ओ डिग्गी पे फाइबर आई ओ भी लोका ने ला आलू लानी ओ लोका ने किस काम ओ तार तार कपड़े पांगे मजा तार आई है के कपड़े कपड़े हां और जा छुट्टी आ लड़ाइयां हो गई आ के बुला कोई ना मेरा नाम है। और अभी फाइनली हमने ना आंटी के साथ कोल्ड ड्रिंक ले लिए। ये जहूर की मोटरसाइकिल क्या कर रही है? तो गांव में एक मिस्टर जमील ही है जो नान टिक्की लगाता है और जो उसके वाले साहब है वो मेरा हम नेम है, मुनीर उनका नाम भी है। मेरा भी गांव के अंदर दो मुनीर ही है। तो जब मैं पहले कोई चीज़ अप्लाई करता था, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करता था या कोई एटीएम वगैरह ये कोई, तो गांव के अंदर से इनके पास ही डाकिया लेके आता था, ठीक है। और इन जब वो चेक करते थे ये हमारी चीज़ नहीं है तो फिर मुझे वो मैसेज पहुँचाते थे कि जी आपकी चीज़ आके ले जाएँ। तो ये कन्फ्यूज़न भी थी बट अब क्लियर हो गई है, अब मुझसे ही पहुँच जाता होता है। हाँ तुसे क्या कर रहे हैं की ले के आए जम्मू कि लबे बुखार का बुखार सही बिच काट के थोड़े जे बुखार कि थोड़े मुठे हो जे पक्का खा दे ला से जम्मू तो वाह ओ तो वादू लगे ने तू नली आ रहा तू सही काम कर लिया का ना तेरी वीडियो बनाई करी है वे है तेरे बूढ़े ने मैं आज व्हाट्सएप करनी ओ तेरी ओदे ना री मच्छियां री करा हाँ। बाय द वे जामुन का सीजन स्टार्ट हो गया और बच्चों ने जामुन दिखाए हैं। मेरा भी दिल कर रहा है कि जामुन तोड़े जाए बट हमारा जामुन वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा वो बड़ा सा
तो अभी तो मैं ये खाऊंगा, फिर जब थोड़ा सा मतलब धूप कम होगी फिर देखेंगे इसके ऊपर जामुन है कि नहीं, क्योंकि बारिश होगी अब जामुनों ने पकना शुरू कर देना है और तकरीबन को 15-20 दिन के अंदर चावल की फसल भी धान की फसल भी शिफ्ट होने लग पड़नी है। तो जामुन आए हाय मज़ेदार, बड़ी एक चीज़ है कि इनके जो दाग होते हैं कपड़ों पर लग जाएँ तो कपड़ों पर जो मर्जी डिटर्जेंट लगा लें तो दाग नहीं होते। गंदे पानी वाली भिंडी है और हमें तो मौज है जी, ये वाली भिंडी हम नहीं खाते, उस साइड पे भिंडी लगी हुई वो वाले हम खा पी लेते होते हैं क्योंकि ये सीवरेज का जितना पानी आता है इसके अंदर आता है। और अभी मैं जा रहा हूँ जी, कनेक्शन एक ख़राब हुआ हुआ वो चेक करना है, तो उसके लिए एक मीटर और कलम जिससे हमने पंचर लगाना है क्लिपर, वो 2-3-4 कनेक्टर ले लिए, तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ, आपको ट्रेस आउट करना है, ट्रेस आउट करके फिर वो कनेक्शन बनाना। सोया हुआ था तो कॉल आ गई जी, हमारा नेट नहीं चल रहा, तो मैंने कहा चलें उठता हूँ तो फिर आता हूँ, मैंने कहा चलो टाइम से बनाई है। किधर घूम घूम के आए हैं, मोटरसाइकिल तोड़ी एक कौन रिक्शा तो लें हमें आए हैं, नक दिया निशान निशून भी मुक गए तेरे हैं, कुछ तो तेरा वाह लहू निकलिया सिर तो भी रुक गया नहीं मारदा पहले लगता वैसी है। और अभी हम आए हैं जी, एक इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल रहा तो उसका फॉल्ट ढूंढने आए थे, ये कनेक्टर इस साइड पे तो ठीक है ये वाला शोर है, बट दूसरी साइड पे जहाँ पे हब पे लगा हुआ है वो चेक करते हैं, अगर वहाँ से कनेक्टर कन्फर्म करते हैं तो फिर ये होगा कि फॉल्ट कहाँ आ रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है पिछली साइड पे जो कनेक्टर है क्योंकि यहाँ पे वैन नहीं आ रही, इसके अंदर वैन आ ही नहीं रही, तो पिछली साइड से कनेक्टर का कोई इशू है, देखते हैं।